हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। और मैं विकास, फैकल्टी ऑफ जीएस फ्रॉम बुकवर्म सबसे आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे बुक्स और उनके लिखे गए ऑथर्स के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे रीसेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि पूछे जा सकते हैं एसएससी सीजीएल 18 में, जो कि 4 जून से शुरू होने वाले हैं, और एनटीपीसी आरआरबी में। चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चंस। और हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक रफेल। स्टूडेंट्स, ये एक बुक लिखी गई है, इसके ऑप्शंस हैं शशि थरूर, एस विजयन, पी चिदम्बरम और मनमोहन सिंह। तो स्टूडेंट्स, जो इसका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा एस विजयन। हम देख लेते हैं इस बुक का पेपरबैक कैसा है। ये है इस बुक का पेपरबैक। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन हमारा बुक से रिलेटेड है, हु इज द ऑथर ऑफ द थ्री पिलर। स्टूडेंट्स, द थ्री पिलर एक हाल में बुक पब्लिश हुई है, और इसके ऑप्शंस हैं शक्तिकांत दास, रघुराम राजन, उर्जित पटेल और अरुण जेटली। तो स्टूडेंट्स, इसका सही आंसर है रघुराम राजन। रघुराम राजन जो कि फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, उनके बाद उर्जित पटेल आए थे आरबीआई गवर्नर, और हमारे प्रेजेंट के आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास जी। इनकी बुक का पेपरबैक हमें ऐसा दिखता है, रघुराम राजन द थर्ड पिलर। चलिए मूव करते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक चेंजिंग इंडिया। स्टूडेंट्स, चेंजिंग इंडिया एक बुक है, इसके ऑप्शंस है हमारे पास नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, शशि थरूर, सुमित्रा महाजन। स्टूडेंट्स, इसका जो ऑप्शन सही ऑप्शन है वो है मनमोहन सिंह, और इस बुक का पेपरबैक हमें ऐसे दिखता है, मनमोहन सिंह चेंजिंग इंडिया वॉल्यूम 4 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट के ऊपर। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हु इज द बुक ऑथर ऑफ बुक एल्केमिस्ट। स्टूडेंट्स, एल्केमिस्ट बुक का जो ऑथर है उसका नाम क्या है। तो ऑप्शंस हमारे पास है नेपोलियन हिल, रॉबर्ट कियोस्क, पॉल कोएलो एंड जॉन ली। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा पॉल कोएलो, और इस बुक का जो पेपर बैक है वो ऐसा दिखता है, द एल्केमिस्ट रिटन बाय पॉलो कोएलो। और इन्हीं ऑथर की, पॉलो कोएलो की, दो तीन बुक्स और हैं जो हाल ही रिसेंटली में पब्लिश हुई, उनका नाम है द वैल्करीज एंड ब्राइडा। ये दो बुक्स हैं जो कि हाल ही में पब्लिश हुई है इन्हीं ऑथर की। इन दोनों के नाम भी याद रख लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक व्हाई एम आई हिंदू। स्टूडेंट्स, ये बहुत पॉपुलर बुक है इंडिया में आज इस, और इसके ऑप्शन हमारे पास है ऋषि कपूर, शशि थरूर, मलाला यूसुफजई एंड रॉबिन शर्मा। तो इसका जो सही आंसर है वो है शशि थरूर, और इसका जो पेपर बैक है वो ऐसा दिखता है। और शशि थरूर जी द्वारा लिखी गई तीन चार बुक और हैं जो कि हाल ही में पब्लिश हुई है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और वो है द ग्रेट इंडियन नॉवल और द इन्वेंशन ऑफ इंडिया, नेहरू एंड द इनग्लोरियस एम्पायर एंड द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, जो कि लिखी गई है नरेंद्र मोदी के ऊपर। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्टूडेंट्स, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द गर्ल इन रूम नंबर 105। ये जो बुक है इसके ऑप्शन है हमारे पास ट्विंकल खन्ना, चेतन भगत, शिव खेड़ा और वरुण ग्रोवर। तो स्टूडेंट्स, इसका जो सही आंसर है वो है चेतन भगत, और इस बुक का पेपर बैक हमें कुछ ऐसा दिखता है। और ये जो स्टूडेंट्स, चेतन भगत की नॉवल में एक खास बात ये भी होती है कि उनके नॉवल के नाम में एक ना एक नंबर जरूर आता है, जैसे कि इनकी पुरानी नॉवल थी द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ और टू स्टेट्स और द गर्ल इन रूम 104-5। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक द डायरी ऑफ डोमेस्टिक डीवा। इसके ऑप्शन हमारे पास है शिल्पा शेट्टी, ट्विंकल खन्ना, माधुरी दीक्षित, एकता कपूर। तो स्टूडेंट्स, इसका जो सही आंसर है वो है शिल्पा शेट्टी, और इस बुक का पेपर बैक अगर हम देखेंगे तो वो ऐसा दिखता है, द डायरी ऑफ अ डोमेस्टिक डीवा, शिल्पा शेट्टी कुंद्रा। ये इनका अपडेटेड नाम है क्योंकि इन्होंने अभी रवि कुंद्रा जी के साथ शादी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक पाइजामाज आर फॉर गिविंग्स। मतलब इस बुक में, इस बुक के ऑप्शन हमारे पास है ट्विंकल खन्ना, ऋषि कपूर, रोगेंद्र यादव, अजीत डोवाल। तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा वो आएगा ट्विंकल खन्ना, जो कि वाइफ है अक्षय कुमार जी की, और ये बुक का पेपर बैक हमें ऐसा दिखता है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास आता है, हु इज द ऑथर ऑफ बुक द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। इसके ऑप्शन है हमारे पास प्रीति शिनॉय, रबीन शर्मा, रॉबिन शर्मा, अनूप सिंह एंड विजय गोयल। तो स्टूडेंट्स, जो इसका सही आंसर है वो है रॉबिन शर्मा, और इसके जो पेपर बैक है वो ऐसे दिखता है हमारे पास,
रॉबिन शर्मा द बॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु इज द ऑथर ऑफ बुक वी आर डिस्प्लेस। स्टूडेंट्स ये इस बुक का नाम वी आर डिस्प्लेस रखा गया है और इसके ऑप्शन देखते हैं हम, सुधा मेनन, मलाला यूसुफजई, वरुण गांधी और अनूप सिंह। तो स्टूडेंट्स का जो सही आंसर है वो है मलाला यूसुफजई और इसका जो पेपर बैक है वो ऐसा दिखता है वी आर डिस्प्लेस क्योंकि जर्नी है ये रिफ्यूजी की। हु इज द ऑथर ऑफ बुक डायरी बिहार डायरीज। स्टूडेंट्स इसके ऑप्शन है हमारे पास दोमिल, अमित लोढ़ा, गौर गोपाल दास, मिशेल ओबामा। स्टूडेंट्स इसका जो सही आंसर है वो है अमित लोढ़ा और इसका अगर हम पेपर वर्क देखें तो हमें दिखता है कुछ ऐसा। और अमित लोढ़ा अभी हाल ही में सेबी के एक बेंच था उस अमित लोढ़ा जी हमारे फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। चलिए मूव करते हैं। स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। लाइक कीजिएगा हमारे वीडियो को और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बुकवर्म सब्जेसी के लिए और कमेंट में लिख के बताइएगा कि मैं किस करंट अफेयर पे वीडियो बनाऊं जो आप चाहते हैं। चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।